कुछ टाइम पहले ही गॉडज़िला मंगोल इन्वेजन से जापान को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इस बार कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कहानी बेस्ड है एंशिएंट ग्रीस में। गॉडज़िला रेज अक्रॉस टाइम सेकंड इशू का स्टोरी ग्रीक मिथोलॉजी को अपने फोकस में रखता है। इस कहानी के राइटर हैं क्रिस मौरी और अहिल स्वाइट्ज़र, वहीं इसके आर्टिस्ट हैं टैड कलूशा। एंशिएंट ग्रीस में गॉड्स मॉडल लाइफ्स को खिलौने की तरह समझते हैं। गॉड्स के आगे इंसानों का कोई वजूद नहीं है। इस दुनिया के इंसान बहुत कमजोर हैं, तो वो इन माइटी गॉड्स के अगेंस्ट जाकर भी क्या कर लेंगे। लेकिन ऐसे सोच रखने वाले गॉड्स के सामने अगर गॉडज़िला आ जाता है तब क्या होगा। यहीं से शुरू होता है इस कॉमिक बुक का स्टोरी। ये वो कहानी है जिसके आखिर में ओल्ड गॉड्स मारे जाते हैं और उन गॉड्स के एशेस से जन्म लेता है एक डेविल। किसी जमाने में ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन हुआ करता था। इस जमीन के टुकड़े को गॉड्स ने अपने हाथों से बनाया था ताकि ये सिविलाइजेशन पीस और वेल्थ का किंगडम बन सके। इंसानों के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं था। वो इस दुनिया के क्रिएटर्स को प्यार करने लगते हैं और एक टाइम के बाद वो प्यार वॉरशिप में बदल जाता है। लेकिन टाइम बीतता है, इंसानों का भूख बढ़ने लगता है। वो हमेशा अपने क्रिएटर्स से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और फिर एक टाइम के बाद वो क्रिएटर्स इंसानों से उदास होकर उनसे दूर चले जाते हैं। पैंथियन माउंट ओलंपस का शिखर, जहाँ पर ये गॉड्स रहते हैं। गॉड्स यहाँ पर अपने मॉडल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर एक गॉड का अपीयरेंस होता है। ज़ियस कहता है, हर्मिस क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ देर पहले इंसानों के साथ समंदर में जो हुआ वो आपको देखना चाहिए था। इंसानों के बारे में हम लोग नहीं सोचते। आओ एक जाम उठाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। लेकिन पिताजी, ऐसे में एरीस कहता है, हम लोगों को इंसानों के बारे में नहीं सोचना चाहिए मेरे भाई। एक दूसरा गॉड कहता है, वो लालची होते हैं, उन्हें कितना भी मिले वो और मांगते रहते हैं। गॉड्स अभी अलग अलग ओपिनियंस पास करते रहते हैं, लेकिन ये उन सभी को पता है कि आखिरकार ज़ियस का डिसीजन ही आखिरी डिसीजन माना जाएगा। ज़ियस कहता है, साइलेंस, मुझे इंसान पसंद नहीं है, वो कमजोर होते हैं। गॉडेस एफ्रोडाइटी ज़ियस से कहती है, हर इंसान बुरा नहीं होता, उनमें भी इंसानियत है, वो एक दूसरे को मदद करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग अपने ही क्रिएशंस को भूल चुके हैं? इस आर्गुमेंट के बीच पोसाइडन कहता है, ये वाकया समंदर में हुआ है तो ये मुझे ही संभालना है। ये कहकर पोसाइडन वहां पर पहुंचता है जहां पर ये सब कुछ हुआ है। गॉड्स जिन्हें इंसान पूछते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि गॉड्स भी डरते हैं और शायद इस डर का साइज बहुत बड़ा है। इस लेवल का डिस्ट्रक्शन कौन कर सकता है? इंसान को मैं जितना जानता हूँ ये उनके बस का नहीं है। पोसाइडन ये सब सोच ही रहा था कि तभी समंदर में एक बहुत बड़ा लहर उठता है और उसके अंदर से निकलता है गॉडज़िला। पोसाइडन कहता है, मुझे पता होना चाहिए था। वो अभी गॉडज़िला को अपने ट्राइडेंट से अटैक करता है। समंदर के दो गॉड्स अभी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इस दौरान माउंट ओलंपस में ग्रीक गॉड्स एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर कर रहे हैं। हेरा अभी ज़ियस के पास पहुंचती हैं। वो इंसानों के अच्छाइयों को बताने लगती हैं ताकि ज़ियस को ये पता चले कि वो कितना गलत हैं। गॉड्स अभी अपने आर्ग्यूमेंट में ही उलझे हुए हैं, लेकिन पोसाइडन का हालत खराब हो रहा है क्योंकि गॉडज़िला को ये ओल्ड गॉड रोक नहीं पा रहा है। पोसाइडन अभी एक बहुत बड़े लहर को समन करता है ताकि वो गॉडज़िला को बहा ले जाए, लेकिन गॉडज़िला को इससे कुछ नहीं होता। वो एक चट्टान की तरह वहां पर खड़ा रहता है। गॉडज़िला को इन गॉड्स के बारे में पता चल चुका है। उसे अभी पता है कि गॉड्स नेचर के इन एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो उन गॉड्स को पावर्स का असली मतलब समझाना चाहता है। वो उन्हें उनकी औकात दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि ये गॉड्स उसके सामने अपना सर झुकाएं। गॉडज़िला अभी अपने टेल सेक्शन से एक ऐसे लहर को बनाता है जो पोसाइडन के साथ साथ इंसानों के उस शहर को तबाह कर देता है। इसके बाद गॉडज़िला जोर से चीखता है। उसका ये चीख ओलंपस के महल पर गूंजने लगता है। ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ गॉड्स इस रोर से डर जाते हैं। वहीं कुछ गॉड्स को ये पता चल चुका है कि ये उनके अंत का शुरुआत है। ज़ियस कहता है, पोसाइडन हार चुका है और अभी हमें इस मॉन्स्टर को मारना है। ज़ियस अभी आसमान में एक लाइटनिंग की तरह अपीयर होता है। फिर वो गॉडज़िला के ऊपर एक तगड़ा वाला लाइटनिंग अटैक करता है। क्या वो तुम ही हो जिसने पोसाइडन को हराया? ऐसे में एरीस अपने एक्स को लेकर आसमान से नीचे गिर रहा होता है। एरीस कहता है, तूने मुझे चैलेंज किया है, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं हूँ गॉड ऑफ
वॉर एरीस। और आज मैं तुझे एरीस अपने बातों को खत्म भी नहीं कर पाता, उससे पहले ही गॉडज़िला उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर ब्रेथ अटैक करता है। एरीस का गुस्सा और एरीस दोनों ही भाप बनकर उड़ जाते हैं। ज्यूस अभी अपने दोनों बेटों को खो चुका है, वह भी गम में डूबा हुआ है। और इंसान हो या गॉड, गुस्सा और तकलीफ किसी को भी अंधा बना सकता है। और शायद इसी रीजन से ज्यूस गॉडज़िला को मारने के लिए उस वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट को रिलीज करता है जिसका नाम है हाइड्रा। इसे कहते हैं एक गॉड और एक मॉन्स्टर का बैटल। हाइड्रा माउंट टार्टरस को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। इस फाइव हेडेड टाइटन को देखते ही गॉड्स भी डर जाते हैं, लेकिन गॉडज़िला बस ये सोचने लगता है कि वो इस टाइटन को किस तरीके से पेन और फियर का असली मतलब समझा सकता है। हाइड्रा बस साइज में ही जाइकेंटिक होता है। गॉडज़िला अपने टीथ्स और क्लॉस की पावर्स को शो ऑफ करते हुए हाइड्रा को ओलंपस की तरफ थ्रो करता है। हाइड्रा का वो बेजान शरीर ओलंपस को तोड़ते हुए ज्यूस के थ्रोन के करीब जा गिरता है। ज्यूस पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रहा है। लड़ने वाले सारे गॉड्स खत्म हो चुके हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मॉन्स्टर। इस जाहिल को उन सब का हिसाब देना होगा। ज्यूस अभी गॉडज़िला को एक जोरदार पंच करता है जिससे गॉडज़िला का पूरा शरीर हिल जाता है। गॉडज़िला भी ज्यूस को पकड़ने जाता है, लेकिन ज्यूस अपने पावर्स की मदद से आसमान में पहुंचता है। वह भी अपनी पूरी ताकत से गॉडज़िला के ऊपर एक थंडर अटैक करता है जिससे चारों तरफ उजाला हो जाता है और गॉडज़िला नीचे गिर जाता है। एफ्रोडिटी सही थी, हेरा भी सही थी। इंसानों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि इंसान ही तो है जो हमारे कहानियों को याद रखते हैं। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त सब आज मर चुके हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। इंसानों को मैं किसी चीज की तरह समझता था जिन्हें मैं तरपा सकूं या फिर जिनसे मैं खेल सकूं, लेकिन आज मुझे उन सब के लिए दुख हो रहा है क्योंकि आज किसी को भी पता नहीं है कि मैंने उनके लिए क्या किया है। तो अभी मुझे मेरे पुराने घर से निकलना होगा और फिर से उन सभी चीजों को बनाना होगा जो इस दुनिया को एक सुनहरे भविष्य की तरफ ले जाएगा। फेथ के बिना एक गॉड पावरलेस है और ये मुझे आज समझ आया है। अगर मैं आज वो बन जाता हूँ जो मैं कभी हुआ करता था, तब मुझे अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मुझे इन इंसानों से भी बहुत कुछ सीखना है ताकि मैं इन्हें फिर से निराश ना कर पाऊँ। अगर मुझे फिर से मेरे पावर्स मिल जाते हैं, सिर्फ तभी मैं इन इंसानों के साथ और समय बिताऊंगा। मुझे इनके प्रॉब्लम्स और सैक्रिफाइसेस को जानना होगा और मैं खुद को कभी भी इनके चाहत से ऊपर नहीं आंकूंगा। मैं अपने घमंड को छोड़ दूंगा उस राक्षस के साथ, उस शैतान के साथ, मेरा घमंड भी। तो ये है गॉडज़िला रेज अक्रॉस टाइम का सेकंड इशू। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।